इस खबर के प्रायोजक हैं एमएसडी ग्रुप एंड एजुकेशन। एडमिशन ओपन। फतेहपुर जिले में एक विवाहिता पर ससुराल वालों का ऐसा जुल्म टूटा जिसने उसकी सांसों को ही थाम दिया। आए दिन दहेज का दानव किसी न किसी को खाता चला जा रहा है और सभ्य समाज सब कुछ चुपचाप देख रहा है। 4 लाख की डिमांड न पूरी होने पर ससुरालियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और एक निर्दोष मौत के आगोश में हमेशा के लिए चली गई। जिले में एक बार फिर बेटी दहेज दानवों की भेंट चढ़ी है। आरोप है कि दहेज में 4 लाख की डिमांड नहीं पूरी करने पर ससुराल वालों ने पहले नवविवाहिता के मुंह पर तेजाब डाला, फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाकर मार डाला। दहेज हत्या की वारदात सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अफोई गांव की है। वहीं इस घटना के बाद पीड़ित परिवार पुलिस की कार्रवाई से बहुत नाराज है। मृतका के भाई मोहम्मद यासीन ने बताया कि जब वो घटना की तहरीर लेकर थाने गए तो पुलिस उनकी कोई सुनवाई ही नहीं कर रही थी। कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली क्षेत्र के फतेहशाहपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद यासीन ने बहन माहिनूर की शादी 16 मई 2021 को फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अफोई गांव के रहने वाले रुखसार अहमद के साथ की थी। हमारी बहन की शादी हमने अफोई में 16 मई 2021 को किया था रुखसार के साथ। शादी के दूसरे दिन से ही रुखसार, उसकी भाभी सबीना और सहाना मिल के तीनों उसको बहुत परेशान करते थे, मारते थे, उसको बोलते थे कि जाओ अपने भाई से पैसे लेके आओ, अपने घर वालों से और पैसे लेके आओ, गाड़ी चाहिए हमको, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, बोल रहे 4 लाख रुपया लेके आओ, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे। उसके बाद वो लोग उसको जला के मार दिए तीनों, चार अंसार, रुखसार, सहाना, सब ये सब मिल के उसको जला के मार दिए। वो कुछ बोल ना पाए इसलिए उसके मुंह में तेजाब डाल दिए, उसकी जबान जल गई, उसका पूरा शरीर जल गया। जब हम प्रशासन के पास गए वो सब कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं, रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद वो सब हमारी रिपोर्ट तो लिख लिए पर कोई कड़ा कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद हम जो है वहाँ से चले आए। अब हम यही चाहते हैं कि बस हमको इंसाफ मिले बस। वहीं पुलिस ने मृतका के भाई की तहरीर पर पति समेत 4 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, 304B, दहेज हत्या की धारा 3-4 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जनपद कौशाम्बी के थाना सैनी अंतर्गत निवासी मोहम्मद यासीन ने थाना सुल्तानपुर घोष पर एक लिखित तहरीर दिया है कि उनकी पुत्री की शादी 16 5 2021 को अपोई कस्बा थाना सुल्तानपुर घोष के अंतर्गत उन्होंने किया था। दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर के उसके परिवारी जनों ने आग लगा करके जला करके मार दिया है। मृतिका का पोस्टमार्टम करा दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायतनामा भरने के पश्चात पति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तत्काल समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और निष्पक्ष कार्रवाई विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। देखना होगा कि आखिर इस मामले में पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे ढकेलने में कामयाब होती है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।